हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स? आवन है, ये देखिए, ये काजू भून के लाए हैं अपने लिए। ये देखिए, ये काजू भून के लाए हैं और ये काजू खा रहे हैं। कह रहे हैं मम्मा मुझे भूख लगी है, जबकि अभी मैगी बना के खाई, खाना खाया, लेकिन अभी काजू खा रहे हैं। और फ्रेंड्स, हमारे हम लोग बैठे ब्लॉग देख रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ, सब्जी साफ करूँगी जाके। तो आप लोग हमारे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग आज का कैसा लगा। तो आप लोग कहीं मत जाइए, कंटिन्यू बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं ऊपर जा रही हूँ, मैंने थोड़ी सी कचरी बनाई थी, तो ये ओरियो कह रहा है कि जल्दी जल्दी चलो। तो चलो ओरियो, चलो चलो, आओ चले, आओ आ जाओ। तो शाम हो गई है, मैं भूल गई थी, अब मैं उठाने जा रही हूँ। तो हमारा ओरियो जो है वो जा रहा है ऊपर, और देखिए मैं नहीं जाऊँगी तो ये देखिए ये रुक जाएगा। ये देखिए देख रहा है, ओरी आ जाओ, चलो। देखिए है, ये मेरा इंतज़ार करता रहता है कि ये आए तभी मैं जाऊँगा। तो मैं अब ऊपर जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ओरियो भी आ गया है और मैं भी ऊपर आ गई हूँ छत पे। तो मैंने ये कुछ कचरी बनाई थी, ये जलेबी के छत्ते टाइप की, ये देखिए इस तरीके की बनाई थी। ये थोड़ी सी गीली भी रह गई है, तो ये कल मैं धूप में डाल दूँगी। तो अब मैं इन्हें उठा लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं छत पे चार मंजिल पे जब ऊपर आती हूँ तो मैं काफ़ी थक जाती हूँ, तो मुझे काफ़ी थकान हो जाती है। तो मैं इसको उठा के रख देती हूँ। कचरी जो है वो एक सूप में कर दी है और काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से, लेकिन थोड़ी सी गीली है, ये देखिए, और इधर सूख गई है। तो मैंने ये फ्रेंड्स, एक जो दाल वाली, जो पैकिंग वाली दाल आती है उसमें जो पोलोथीन निकलती है, तो उसी से ये मैंने जलेबी के छत्ते टाइप के बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कचरे की मशीन थी तो उससे अच्छे नहीं बन रहे थे, और मुझे बनानी थी जलेबी टाइप के जो छत्ते होते हैं वो बनाने थे। तो मैंने इसीलिए जो दाल की जो पोलोथीन होती है उसको, उससे में मैंने जो कांटे वाला चम्मच होता है उससे छीन करके मैंने इसको बनाया है। तो ये फ्रेंड्स चावल के आटे की है कचरी, तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। देखिए मैंने इसमें सोडा भी डाला है। अब मैं इन्हें रख देती हूँ। तो ये जो है ना, इसमें जो है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो सूप में जलेबी के छत्ते जो बनाए थे वो मैंने रख दिए हैं एक रूम में, क्योंकि इस वाले रूम में फ्रेंड्स एक लड़की रहती है किराए पे, और इसमें मेरा रखना सहतना भी है, सामान मैं इसमें रखती हूँ, लेकिन एक पढ़ने वाली लड़की है तो हम लोगों ने मना नहीं किया। हमने कहा ठीक है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, ये ओरियो किस तरीके से लकड़ी खा रहा है, इतना मक्कार है। ओरी क्या कर रहे हैं, चलो नीचे, अभी तुम्हें पिटाई लगाएंगे। लकड़ी खा रहे हो, बीमार हो जाओगे फिर से। चलो नीचे, चलो नीचे, नीचे चलो। देखिए कितना सुनता है ये, ओरी चलो चलो, कितना होशियार है ये, वहीं पे बैठ गया है ताकि जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही मैं लकड़ी को खा लूँगा। तो अब मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ, ओरी चलो। और ये जो पोलोथीन बची है ये भी मैं रख देती हूँ, और रूम का जो गेट है वो मैं बंद कर देती हूँ। फ्रेंड्स, गेट को मैंने भेड़ दिया है, क्योंकि वो लड़की थोड़ा सा आराम कर रही है, स्कूल जाती है सुबह, शाम को 4:30 बजे आती है,
तो इस वजह से ताकि वो आराम से सो सके, तो मैंने ये गेट भी भेड़ दिया है। और अब मैं ओरियो को लेके जा रही हूँ नीचे, क्योंकि ओरी जो है जब तक मैं ऊपर रहूँगी तब तक ये बहुत परेशान करेगा, तो इसको मैं लेके नीचे जा रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारी जो ये छत है इसका कलर काफ़ी डन हो गया है, क्योंकि जो ऊपर से पानी गिरता है ये वो वहाँ पे पानी का जो टंकी रखी हुई है ऊपर, तो ये पाइप से पानी गिरता है सारा। और ऊपर जो है ये टावर की वजह से जो कौवे चिड़ैये हैं वो पॉटी करते हैं वहाँ पे छत पे ऊपर, तो उस पानी के ज़रिए वो पॉटी नीचे आ जाती है, तो इस वजह से ये छत का कलर जो है डन हो गया है। हम लोग इसको धुलाई भी करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, लेकिन ये ऐसे ही रहती है छत। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये टाइलें निकलवा देंगे और दूसरी टाइलें लगवा देंगे। और यहाँ पे जो है ये मैंने ईटा रख दिया है, क्योंकि इन्होंने ये जो पाइप है ये तोड़ दिया था, तो मैंने इसमें ईटा रख दिया है ताकि जो कूड़ा है ये इसमें ना जाए इस वजह से। और मौसम जो है यहाँ का फ्रेंड्स ऐसा हो गया है, तो आप देखिए शाम के 6:15 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, और अब इतनी फ्रेंड्स ठंड भी नहीं रह गई और अब फ्रेंड्स इतनी ठंड भी नहीं रह गई है जो मतलब ठंड लगे। तो अब इस टाइम पे स्वेटर बहुत कम लोग पहनते हैं, तो मैं जो हूँ छत से अब नीचे जा रही हूँ, तो चलिए नीचे चलते हैं। और आ जाओ और आओ, आ जाओ, आओ चले, आ जाओ। तो मैं ओरी को लेके जा रही हूँ नीचे, नीचे आ जाओ, आ जाओ, चलो नीचे, चलो नीचे नीचे, चलो चलो ऊपर नहीं जाएंगे अब, चलो नीचे नहीं जाना है। अब मैं सुबह के लिए मॉर्निंग के लिए साग बीन रही हूँ, तो ये सोया और मेथी का साग है, तो मैं इसे बीन रही हूँ। तो ये देखिए मैं गांठ खोल रही हूँ इसकी, क्योंकि सुबह जो है इतनी जल्दी होती है कि ये साग बीनने तक का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं शाम को ही बीन के धो के और काट के रख लेती हूँ। तो इसी वजह से ये मैंने, ये देखिए ये साग को मैंने निकाल दिया है, और साग जो है वो कम है और मेथी ज़्यादा है, तो ये देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं बैठ के फुर्सत फ्री होके इसको बीनूं, क्योंकि इतना मुझे तो लगता है काफ़ी छोटा दिन होता है, सुबह से उठो बिल्कुल भी बैठने तक का टाइम नहीं मिलता। और फ्रेंड्स मेरे ये पैर हैं इतने दर्द होते हैं कि मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? और साग जो था वो मैंने शाम को ही साफ करके रख दिया था, और मैंने साग की सब्ज़ी नहीं बनाई, क्योंकि अभी मैंने साफ़ सफाई की और मैं नहा भी चुकी हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है, तो आज शिवरात्रि है इसलिए पहले मेरा पूजा करना ज़रूरी था, और अब मैं जो है वो साग की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी जो है आज मेरा फास्ट है, तो सब्ज़ी घर में जो हस्बैंड बच्चे और ये सभी लोग, ये लोग खा लेंगे, तो मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि मैंने पूजा भी कर ली है और मेरा फास्ट भी है। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए मंदिर भी हो आती हूँ, तो अब मैं मंदिर जाऊँगी, तो उसके बाद ही मैं बाकी जो बचा हुआ काम है वो मैं करूँगी। कपड़े मशीन में डाल दिए हैं और पूजा भी मैंने कर ली है, तो मैं दिखाती हूँ मैंने मंदिर में पूजा कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। राधिका आओ, हाँ।
हैं बाबू जी देख जाए रात्रि करेगा काटता तो नहीं ना काटता नहीं काटता मैं मंदिर हुआ ही हूँ तो मंदिर में इतनी भीड़ थी कि लोग नाग देवता को लेके टोकरी में लेके बाहर खड़े हुए थे और इतनी भीड़ थी कि मतलब अंदर इतनी लंबी लाइन लगी थी कि अंदर जाने का मतलब अंदर जाते ही ये लग रहा था कम से कम शाम तो हो ही जाएगी और इतनी भीड़ की देख के दंग रह गई मैं। तो मैं उस मंदिर में नहीं गई, मैं दूसरे वाले मंदिर में गई, जबकि मैं विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि मंदिर सब भगवान तो हर जगह हैं और कोई एक जगह नहीं है, मानो तो पत्थर भी भगवान है और ना मानो तो भगवान भी पत्थर हैं। तो मैं दूसरे मंदिर में गई, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने वहीं पे ही पूजा की और दूध चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाई, धतूरा चढ़ाया, मैंने वहाँ पे पूजा की। तो वहाँ का भी वीडियो आप देखिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज शिवरात्रि के दिन किस किस ने पूजा की है और कौन कौन मंदिर गया है, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग फ्रेंड्स मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। सो फ्रेंड्स बाय बाय, आगे के न्यू ब्लॉग में फिर से मिलते हैं।